ये हमारा जो लोगो है आर्मी का, जो जवान हमारी देश की रक्षा करते हैं सीमा पे खड़े होके, वे जल्दी भी से करने नहीं आ सकते, तो एक तरीके से मतलब कि उनको मतलब सम्मान देने के लिए उनको समर्पित है हमारा पूर्ण जल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुद्दा आप तक, मैं जगमोहन वत्स, और हम आज पहुंच चुके हैं पुरा महादेव के उस प्राचीन मंदिर में, जहां कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने जल अभिषेक किया था, और ये बागपत क्षेत्र में स्थित है। लोग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आते हैं और जल अभिषेक करते हैं, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ जल अभिषेक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुरक्षा है इस बार। और जो लोगों से हमारी बात हुई है, लोगों ने कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, इतनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता था। मैं बुढ़ाना का रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से, अंकुर सैनी नाम है मेरा। बुढ़ाना से हो? हाँ जी। तो जल अभिषेक करने के लिए यहाँ पे आए? जी, जल अभिषेक करने के लिए आए हैं। हरिद्वार से हमने जल उठाया है, पैदल पथ यात्रा की है। और कब उठाया था जल? हमने परसों 21 तारीख में जल उठाया था। 21 तारीख में जल उठाया था आपने? कितने लोगों साथ में? अकेले? हम 4 लोग हैं साथ में, 2 पीछे हैं, 2 हम साथ में। अच्छा, रास्ते में कुछ दिक्कत परेशानी है? रास्ते में बहुत बढ़िया सुविधा हो रखी है सरकार ने, अच्छी सुविधा, खाने की, रहने की, हर तरीके की सफाई की, और आपके स्वास्थ्य विभाग की बहुत बढ़िया सुविधाएं कर रखी है सरकार ने। अच्छा, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। अब से पहले भी जैसे लोग कांवड़ लेने जाते थे और अभी भी जा रहे हैं, इस बार ज़्यादा उत्साह है या पिछले सालों में जो आपको देखने को मिला, कैसा? उत्साह इसलिए है, 2 साल यात्रा नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से। इस बार 2 साल से यात्री रुके हुए थे, कांवड़िए रुके हुए थे, इस बार पूरे उत्साह के साथ सभी लोग गए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा यात्री हैं। हरिद्वार के अंदर भी भीड़ है, रास्ते में भी भीड़ है। देखिए, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उत्तराखंड की सिक्योरिटी भी अच्छी है, लेकिन जैसे ही हम यूपी में कदम रखते हैं, यूपी की सिक्योरिटी इतनी मुस्तैदी के साथ हो रही है, हर यूपी पुलिस का जवान बहुत अच्छे तरीके से रात में, दिन में 24 घंटे अच्छी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ भी अच्छी सुविधा है, कांवड़ियों को अच्छी लाइनें और व्यवस्था प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था दी जा रही है। और ये मंदिर का आप देखिए कितना सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर। पुरा महादेव का यही वो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने जल अभिषेक किया था, और वो यही मंदिर है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, कोशिश करते हैं कि हम भी दर्शन कर लें। भीड़ यहाँ है और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारी की सारी कवरेज दिखा रहा हूँ बहुत ही मेहनत से। देखिए, भोले के भक्तों में बहुत ही बहुत बहुत उत्साह, इतना उत्साह देखने को मिलता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत उत्साह के साथ ये लोग यहाँ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ यहाँ पे, इतनी भीड़ है कि जिसको संभालना बड़ा मुश्किल है, उसमें आपका क्या योगदान है? देखिए, ये जो भीड़ अब इससे आप देख रहे हैं, ये भीड़ लगभग 2 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तिरुवस्ती लगने वाली थी, 4:17 पर तिरुवस्ती लगी, तो ये लोग सब 2 घंटे से भीड़ लाइन में थे और तिरुवस्ती लगने का वेट कर रहे थे, क्योंकि सब कांवड़ियाँ हैं, तिरुवस्ती जल्द यहाँ चढ़ाएंगे और 14 से जल्द अपने गाँव में चढ़ाएंगे। कब से सेवा दे रहे हो, मतलब कितने सालों से सेवा दे रहे हो यहाँ पे अपनी? मैं लगभग जैसे वैसे तो खुद स्वयं भी 17 साल कांवड़ लाया हूँ, और मंदिर समिति से पिछले 6-7 वर्षों से जुड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंदिर पर पुष्प वर्षा करी और पूरे मंदिर का 4 बार राउंड काट कर निरीक्षण करा व्यवस्था होगा। हर हर महादेव। मेरे साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्साह और उमंग, नए युवा और युवाओं का जोश देखते हुए, ये नए युवा हैं और देखिए इनका उत्साह, और दिखाते हैं आपसे, बात कराते हैं आपसे किसी वजह से। आप कितने मेंबर हो अपने? 28। ठीक है, 28 लोग हैं सभी एक साथ। तो अभी आप लोग जा कहाँ रहे हो सभी? पुरा महादेव। पुरा महादेव, पुरा महादेव की कोई एक विशेषता? कोई भी एक विशेषता, पुरानी पुरानी कोई भी मान्यता क्या है? अच्छा लगे जाने के। चलो, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी हुई? ना, कोई दिक्कत नहीं। योगी बाबा की, योगी बाबा की जय, बीजेपी। तो उत्साह देख सकते हैं आप, जिससे भी आप बात करोगे एक ही शब्द मिलेगा सभी के मुंह से कि योगी बाबा ने जो इस बार किया वो बहुत अच्छा किया। योगी बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ कभी जो इतना उत्साह हुआ? नहीं हुआ। हिंदुओं में जगह
हिंदुओं में पूरी हिंदुत्व जो जगाई है वो योगी जी के आने से हुई है। पहले मोदी जी के आने से हुई थी, अब योगी जी के आने से हुई है। और हिंदू राष्ट्र बनेगा उनके नेतृत्व में। एक दिन भारत जरूर, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ना, जिस दिन योगी, उस दिन पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक इन सभी को देखते हुए क्वेश्चन मन में आया, आप सभी ने एक ही तरह की जो ड्रेस पहनी है, ऐसा क्यों, कौन बताएगा? ऐसा सर इसलिए है, ये हमारा जो लोगो है आर्मी का, जो जवान हमारी देश की रक्षा करते हैं सीमा पे खड़े होके, वे जलेबिसे करने नहीं आ सकते। तो एक तरीके से मतलब कि उनको मतलब सम्मान देने के लिए उनको समर्पित है हमारा पूर्ण जल, और हम उनका लोगो पहन के इसीलिए आते हैं यहाँ पे। हम हर साल आते हैं, हमें 7 वर्ष हो गए आते आते लगातार, और हमारा ड्रेस कोड आर्मी का ही रहता है। आर्मी का रहता है, भले इसमें कुछ और चीज हो जाए, इसमें ना मतलब उत्साह। ये जो कावड़ है आपने आर्मी को समर्पित कर, वो आर्मी के लिए, पूर्ण रूप से आर्मी के लिए, बिल्कुल देशभक्ति, मतलब देशभक्ति और धार्मिकता, इसमें दोनों है, दोनों है इसमें। बहुत अच्छी।